दिल्ली के बुराड़ी केस में न्यूज नेशन पर चश्मदीद हम आपको दिखाते हैं। वो डिलीवरी बॉय जिसने आखिरी बार इस परिवार को देखा था, उससे खास बातचीत न्यूज नेशन ने की है। आपको बता दें, वारदात वाले दिन रात 10:40 पर खाना डिलीवर करने के लिए ये डिलीवरी बॉय पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज में भी इस डिलीवरी बॉय को देखा गया था और ये आखिरी शख्स था जिसने परिवार को देखा था। और उसकी माने तो परिवार में तब तक सब कुछ सामान्य था, ऑर्डर देने के बाद पैसा लेकर वापस आ गया था ये डिलीवरी बॉय। और डिलीवरी बॉय ऋषि से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रिजवान आरिफ ने, सुनिए। भाटिया परिवार के पूरे सदस्यों की मौत से पहले 10:40 पर एक शख्स खाना देने गया था, डिलीवरी बॉय था ये। पुलिस ने इसे सीसीटीवी कैमरे में स्पॉट किया था। वो हमारे साथ मौजूद है, ऋषि नाम है। ऋषि, जब खाना देने गए थे आप, क्या देखा था आपने वहाँ पर? सर, वहाँ पे उनकी लड़की थी तो उन्होंने मतलब खाना पिक किया था, और बाकी वो भुवनेश्वर सर थे, वो दुकान क्लोज कर रहे थे, और उनके दो लड़के थे वो बाहर खड़े थे। सर, उन्होंने क्या फ़ोन करके ऑर्डर किया था? किस तरह से ऑर्डर किया था? सर, फ़ोन करके ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया था? ऑर्डर में सर 20 रोटी थी। क्या आपको दुकान के पास या घर के अंदर जाने दिया गया? कैसे आपने डिलीवरी की? सर, मैं मतलब बाहर ही खड़े थे, तो मैं यहाँ निकलने से पहले सर बैक कॉल कर लिया था मैंने, तो उन्होंने हाथ दिखाया मतलब वहाँ पे गली से, बोला कि यहाँ पे, तो सर मैं वहाँ पे देके आ गया। उनकी लड़की ने खाना पिक किया, उन्होंने अपने पापा से बोला कि पैसे दे दीजिए, तो मैं 200 रुपये का ऑर्डर था, 200 रुपये लेके आ गया सर। वहाँ पर कुछ भी असाधारण दिखा आपको? कुछ भी लगा कि इसके बाद इस तरह का बड़ा हादसा हो सकता है? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखा। ये था वो डिलीवरी बॉय जिसके बारे में 2 दिनों से बात की जा रही थी। इसने बताया कि किस तरह से पूरे परिवार ने ऑर्डर किया था खाना, और उसके बाद से किस तरह से इसने वहाँ पर डिलीवर किया, और डिलीवर करने के बाद उसे कुछ भी वहाँ पर असाधारण नहीं दिखाई दिया। रोज़ की तरह जिस तरह से दूसरे घरों में जाता है डिलीवर करने के लिए, उसी तरह से वहाँ पर खाना डिलीवर करके वो पैसे लेकर वापस आ गया था। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।